Hi, in today's video we learn about the market structure. So what do you exactly mean by market structure? Market structure help करता है आपको identify करने के लिए कि current market condition है क्या, क्या आपको buy करना चाहिए, sell करना चाहिए या आपको market से बाहर रहना चाहिए. So इसको identify करने के लिए हमें देखने पड़ेगा candlesticks क्या है, आपको डिफरेंट कैंडलस्टिक्स दैट वी विल बी लर्निंग. सो अ मेथड ऑफ रीडिंग द करंट चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिकली क्या चल रहा है, क्या कौन सी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, क्या बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, बेसिकली अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, दैट वी विल चेक ऑन. वो हम कैंडलस्टिक्स कैसे रीड करते हैं वो भी देखेंगे. कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिविजुअल कैंडलस्टिक कैसी चल रही हैं, सो वी लर्न अबाउट दैट ऑल्सो. सो मार्केट स्ट्रक्चर में हम अगर देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक होता है अप ट्रेंड में बेसिकली होता क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती है. सो अब मान लो यहाँ पर हम We will take a pencil. So यहाँ पर अगर market uptrend में है तो it will create a higher high and higher low. So यहाँ पर आप देख सकते हो higher high और higher low बन रहा है, that is an uptrend. Alright, अब हम देखते हैं down trend में क्या होता है. सो डाउन ट्रेंड में मार्केट एक्चुअली में जाती है नीचे. सो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड. यहाँ पर मार्केट न्यू लोअर हाइज बना रही है. एक्चुअली थोड़ा इक्वल लग रहा है, सो थोड़ा सा गैप और देते हैं. सो यहाँ पर ये नीचे और नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने अपना हायर लो, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो दिया. दिस इज़ द लोअर लो एंड दिस इज़ लोअर हाई. सो दिस इज हाउ अ डाउन ट्रेंड लुक्स, इट गोज इन अ डाउन साइड. नेक्स्ट अप इज व्हेन मार्केट इज रेंजिंग और इट इज नॉट गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, वो एक रेंज में मूव करती है. सो दिस इज एक बेसिकली बॉक्स में मूव करती है, इस बॉक्स से बाहर नहीं आ पाती. सो दिस इज वेयर द मार्केट ना वो अपने हाई को तोड़ता है ना वो अपने लो को तोड़ता है. सो इट्स बेसिकली स्टक इन अ बॉक्स, दैट इज अ रेंजिंग मार्केट. नेक्स्ट अप इज, सो यहाँ पर हम कुछ चार्ट्स पे देखते हैं. सो यू कैन सी हेयर, अब यहाँ पर आप देख के बताओ मार्केट क्या बना रही है. सो यू कैन सी यहाँ पर हायर हाई बन रहे हैं. So this is the higher high, this is the higher high, this is the higher high, this is higher low, this is higher low, this is this is higher low, this is higher low, this is higher low. So market is going in an upward direction. So uptrend hai market mein. नाउ हम देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा ऐसे. सिमिलरली अब लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, यहाँ पर भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है. अब यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देखो मार्केट अपना लोअर लो तोड़ रही है. सो इट्स क्रिएटिंग लोअर हाई एंड लोअर लोज. सो इट विल क्रिएट लोअर लोज
एंड लोअर हाइज. सो यहाँ पर आप देख रहे हो लोअर लो बन रहे हैं एंड दिस इज़ लोअर हाई एंड मार्केट इज़ गोइंग इन अ डाउन साइड. सो मार्केट जा रही है डाउन साइड में. सो दिस इज़ इन अ डाउन साइड. यहाँ पर भी देख सकते हो डाउन साइड में जा रही है मार्केट. यहाँ पर भी देख सकते हो डाउन साइड में जा रही है. अब यहाँ पर देख रहे हो आप मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है. इसी रेंज में ऊपर जा रही है, इसी रेंज में नीचे जा रही है, इसी रेंज में ऊपर नीचे. सो इट इज़ बेसिकली मूविंग इन दिस बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर मार्केट मूव कर रही है. सो दैट इज़ अ रेंजिंग मार्केट. सो इस टाइम पे बेसिकली आपको मार्केट से बाहर रहना चाहिए. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मार्केट इज़ मूविंग इन अ रेंज. So stay tuned for other parts. Thanks for tuning in. Bye-bye.